चलेगा? बाइक भी नहीं चल, नहीं बाइक साइकिल तक नहीं आता था इस रोड में, तो ऑटो बाइक कहाँ से होने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज बिहार, मैं हूं ओम प्रकाश। अभी फारबिसगंज प्रखंड के प्रवाह पंचायत वार्ड संख्या 12 में आए हुए हैं हम, और बता दें कि यहां पे 12 नंबर वार्ड संख्या में जो है पीसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, मगर कुछ ग्रामीणों का कहना है कि यहां पे जो है वो लोग कहीं ना कहीं सरकारी काम में बाधित करना चाहता है, रोड को बनने नहीं दे रहा है। मेरे साथ एक व्यक्ति है, इनसे आइए जानते सच्चाई क्या, आखिर काम को क्यों रखना चाहता है। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष मिश्रा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आखिर क्या दिक्कत परेशानी है जो मतलब काम को रोकने की? ये रोड जो है इतिहास में आजादी के बाद इस रोड पर एक भी छींटा मिट्टी नहीं पड़ा है, और 12 नंबर लोगों को इतना दिक्कत होता है सावन भादो महीना में, माया लोग कपड़ा उठा के इस रोड पर चलते हैं, बच्चे लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाता है साइकिल कन्हा पर टांग के पीच रोड पर ले जाते हैं और तब वहां से स्कूल जाता है। ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, महिला ड्रावी रहती है बहुत, और सुविधा के साथ ये लोग का जिंदगी नर्क में था जो अभी स्वर्ग में ये लोग को दिखा रहा है, और कुछ आदमी ऐसा है जो मुखिया का प्रतिबंधित है और वो लोग को ये चीज पसंद नहीं है और वो लोग इसमें विरोध करता है, लेकिन उसके विरोध करने से क्या होगा? विकास काम अवरुद्ध नहीं होगा और ये काम एक नंबर हो रहा है, 12 नंबर लोगों के लिए ये स्वर्ग गंगा की तरह ही साबित होगा। अच्छा, ये रोड को बन जाने से कहीं ना कहीं बहुत फायदा है यहाँ के लोगों को? बहुत बहुत फायदा है, जैसे कि सावन भादो में बच्चा भी छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, बच्चा बोल रहे थे कि ऑटो तक घर पर नहीं आ पाते हैं, चौक पर लगा के यहाँ से कीचड़ में घुस के तब जाना पड़ता है। एकदम सही बात बोला है। कहीं रोड को बन जाने से जो है बच्चा लोग को पढ़ने में, कोचिंग ट्यूशन जाने में उसको भी आसानी होगा, और रात में अगर कोई डिलीवरी पर्सन इस तरह का आ जाता होगा तो फिर वो लोग कैसे सामना करता होगा उस टाइम? उस टाइम में यही सामना करता है, डिलीवरी पर्सन को खटिया पर खटिया पर लोड करके मेन रोड पर ले जाया जाता है, और वहां से टेम्पो या सवारी जो मिलता है उससे रेफरल हॉस्पिटल जाता है, यही दिक्कत है। अच्छा, इस काम को जो रोकने के लिए आता है बाधित करता है, क्यों करना चाहता है? वो लोग इसी से बाधित करना चाहता है जो मुखिया से उन लोग को एलर्जी है, अच्छे काम जो करा रहे हैं वो लोग को नागवार लगा है। अगर 3 नंबर का काम चलेगा तो वो लोग बहुत खुश हो जाएगा। आप लोग कभी कहीं पे सूचना दिए हैं ये बात को कि हम लोग से रंगदारी मांगा जाता है या बाधित करता है काम को? हम लोगों को सूचना क्या देंगे, हम लोग सूचना तो आप लोगों के बीच में सब बात रखिए दिए है, नहीं इससे पहले कहीं दिए हैं आप लोग? इससे पहले हम लोगों को सूचना क्या देंगे, इससे पहले बाधित किया गया? और ऐसा भी हो सकता है चाचा कि रोड खराब बनता होगा इसलिए विरोध करता होगा? नहीं, रोड तो खराब जो बन रहा है हम तो कहीं खराब नहीं देख रहे हैं, रोड कहीं खराब नहीं, कहीं खराब नहीं है, और 12 नंबर वार्ड में जहाँ रोड बन रहा है वहाँ का जनता, महिला और बच्चे और पुरुष ये सब जब खुश है तो ये सब रोड अच्छा बन रहा है तब ना खुश है, गंदा रोड बनेगा तो ग्रामीण विरोध करेगा। इसी लेकर के कुछ लोग जो मुखिया का प्रतिबंधी है वही विरोध करता है, लेकिन आम जनता के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो चलिए, आपने जैसा कि सुना यहाँ पे जितने भी ग्रामीण है कहीं ना कहीं सबका कहना है कि रोड में कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है, रोड अच्छा से बन रहा है, मगर कुछ आदमी जो है इसको रोड को बनने नहीं देना चाहता है, उसको रोकता है, वो मामला है पीसी का, उसको रंगदारी चाहिए, और यदि उसको रंगदारी मिल जाता है तो कहीं कुछ नहीं है, और नहीं मिलता है तो उसको रोकने के लिए आता है। तो इसी तरह आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दस्तक न्यूज बिहार, मैं हूँ ओम प्रकाश।